CBSE अगस्त के अंत तक CTET 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। CBSE के एक हाल ही में जारी एक नोटिस के मुताबिक परीक्षा दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में हो सकती है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 के लिए CBSE जल्द डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। वहीं विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त के अंत तक CBSE द्वारा CTET 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि अभ्यर्थी काफी समय से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर लेटेस्ट अपडेट के लिए रेगुलर विजिट करें। वैसे पिछले दिनों CBSE ने एक नोटिस जारी कर बताया था कि यह परीक्षा दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में आयोजित की जा सकती है, लेकिन इस संबंध में पूरी जानकारी डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही मिलेगी। CTET का आयोजन ऑनलाइन मोड में होगा। वहीं बता दें कि इस साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत CTET में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। इस साल CTET का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। गौरतलब है कि CTET को साल में दो बार आयोजित किया जाता है। हर साल लाखों उम्मीदवार एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल होते हैं और अपना टीचर बनने का सपना पूरा करते हैं। कक्षा 1 से 8वीं के शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए होती है CTET। यह परीक्षा कक्षी 1 से 8वीं तक के शिक्षकों को पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। एग्जाम में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर कक्षा 1 से 5वीं तक का और दूसरा पेपर कक्षा 6 से 8वीं तक के शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होता है। जो कैंडिडेट्स कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें दोनों पेपर के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। गौरतलब है कि पेपर 1 में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को 50% मार्क्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही 2 वर्ष का डिप्लोमा भी होना चाहिए। वहीं पेपर 2 में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर की डिग्री के साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है।